गया जी, तो इस इशू में मतलब मुबतला हूँ शुरू से, उसके वाले काफी परेशान भी हूँ जी। तो कुछ आपसे रहनुमाई और आपसे दुआ लेना चाहता था। आपकी औलाद है? जी नहीं है ना जी अभी तक। ठीक है, आपकी रिपोर्ट में कुछ कमी है? मैंने जो रिपोर्ट करवाई थी ना जी डॉक्टरों को, मैंने चेक भी करवाई है, तो वो कह रहे हैं औलाद के हवाले से आपके जो स्पर्म्स हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे वैसे मतलब कमजोरी है। ठीक है ठीक है, आप कागज कलम यकीनन आपके पास होगा, ये एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ आपके लिए भी है, आप जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अज़दवाजी लिहाज से कुछ कमज़ोरी है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। तुख्म रिहान 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, बस 3 चीज़ें सारी हैं और बड़ी कमाल चीज़ें, कोई महंगी नहीं है। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, तुख्म रिहान 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। मिश्री को पीस लें, अकर करे को पीस लें, तुख्म रिहान को ना पीसें। इसमें से कंकर मिट्टी अगर है तो साफ कर लें, और ये साफ करके अब ये तुख्म रिहान उन दो पीसी हुई चीज़ों में मिला लें। मिलाने के बाद इनको मिक्स कर लें, एक बड़ा चम्मच दूध के हमरा सुबह शाम लीजिए, बहुत कमाल चीज़ है, हर तबीयत के लिए बहुत मुआफिक है, हर मिजाज के लिए बहुत मौसर है। जिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं तबीयतों में गर्मी होती है, गर्म चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाज़ लोग ऐसे होते हैं तबीयत में ठंडक होती है ठंडी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है। ये अज़दवाजी खुशियों को बहाल करने के लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो सेहतमंद लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सेहत कमज़ोर ना हो, वो इसको इस्तेमाल करते रहें, अकर करहा, तुख्म रिहान और मिश्री। इसके साथ एक वाक्य भी सुनाता हूँ मैं, छोटा सा। मैं एक सफ़र में था तो एक जानने वाले मिले, तो उनके साथ कुछ गोरे आए हुए थे जो किसी बड़ी कंपनी के साथ थे, तो कोई काम हो रहा था पाकिस्तान में, तो वो अंदरून सिंध जा रहे थे, कोई कोयले के ज़खायर थे कुछ इस तरह के। तो मुझसे मेरा उन गोरों से उन्होंने तारुफ कराया जड़ी बूटियों के हवाले से, बड़े खुश हुए और कहने लगे जड़ी बूटियों के इलाज मुआलजा बहुत अच्छा होता है। तो एक उनमें से एक साहब ने मुझे ऐसे बात कही कि इस तरह का अगर कोई है तो आपके यहाँ इसके बारे में क्या है, तो मैंने ये चीज़ बता दी और उनको लिख के दे दी, मैंने ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मुझसे कहने लगे इसके बोटैनिकल नेम है, मैंने कहा नेट पे आप सर्च कर लें आपको आसानी से मिल जाएंगे, और ये हर्बल स्टोर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। मैंने उनको वो बता दी। कुछ अरसे के बाद वो साहब मिले जो पाकिस्तानी थे, इंजीनियर थे बड़े, अब भी वही इसी शोबे में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझसे कहने लगे कि आपको गोरे बहुत याद करते हैं। कैसे? कहने आपने उन्हें जो चीज़ बताई थी उन्होंने पहले उसको साइंसी लिहाज से उसको सर्च किया, उन्होंने सर्च किया कि इन 3 चीज़ों को जब मिक्स किया जाए तो एक ऐसी अनोखी चीज़ बनती है जो जिस्म के हर रग और रेशे के लिए, हर जिस्म के अंग अंग के लिए ज़बरदस्त उसके तासीर है और ज़बरदस्त फ़ायदा है। लेकिन वो हैरान हुए, वो कहने लगे वो शख्स तो बहुत बड़ा साइंसदान है। मैंने कहा मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, ये तो हमारा तिब का पुराना फार्मूला है और ये मेरी अपनी ईजाद नहीं, क्योंकि मैं नुस्खे और वजीफ़े बनाता नहीं हूँ, बताता हूँ, वजीफ़े बनाता नहीं हूँ, अपनी तरफ से बनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर वजीफ़े के पीछे कुरान और हदीस और मुहद्दिसीन मुफस्सरीन के तजर्बात की दलील होती है, कोशिश होती है कि गैर मुस्तनद वजीफ़े और गैर मुस्तनद नुस्खे टोटके फार्मूले में आपको ना बताऊँ। कहने लगे वो तो कुछ साइंसदान है, और उसने ये चीज़ जो बताई अकेली चीज़ का फ़ायदा और है,
जब इन चीज़ों को तीनों को मिला लिया जाए तो इसकी तासीर और है। और उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ, और मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। कहने लगे प्यारे मेरा जिस्म थका थका रहता था, आप जिस्म चुस्त रहता है, आसाब मजबूत रहते हैं, तबीयत में फिटनेस रहती है, पहले जितने घंटे सो लेता था मैं थक जाता था, और उसके अलावा मुझे एक वीकनेस भी थी, वो भी सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई चंद हफ्तों के इस्तेमाल से। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि आपकी वजह से, चलो आपका सवाल हुआ मोहतरम, तो आपकी वजह से बहुतों का फ़ायदा हो गया, बहुतों का नफ़ा हुआ। अचानक आपने सवाल किया और आपके सवाल से मैं ये जो है टोटका आपको दे दिया। मैं खुद शायद मेरे ख्याल में 1988 से इसको मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमारी तिब की किताबों में इसको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ है, पुरानी किताबों में इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा लिखा हुआ है, साल साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और माशाल्लाह इसका बहुत नफ़ा है, बहुत फ़ायदा है, इसकी बहुत तासीर है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम कर लीजिए, अगर चाहें तो इसको दिन में 3 दफ़ा भी कर लें, लेकिन सुबह शाम से फ़ायदा होगा। कुछ अर्सा इस्तेमाल कीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ इतनी है कि जिन हज़रात को शुगर है और वो मिश्री नहीं मिला सकते तो मिश्री ना मिलाएं, पर इसकी मकदार फिर 1/4 चम्मच कर लें, 1/4 चम्मच छोटी दूध के साथ सुबह शाम मिश्री मिला लें तो नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अल्लाह हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए।